फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी हाफ फ्रॉक बोल लीजिए या इसको हाफ स्वेटर बोल लीजिए आप देखिए इस तरह से बनाया है ऐसा ही पहले भी हमने बनाया था और ये हमारा ऑर्डर पे बना हुआ है वो जो बना हुआ था उसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको के देखिए ठीक है इसके बाहर हमने जैकेट बनाया है आपको अगर देखना है तो वीडियो आ, मेरे चैनल पे है आप वहां जाके देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी ठीक है लेकिन इसके साथ हमने इनर बना रखा है इसके अंदर हम व्हाइट कलर का इनर बना रहे हैं बाहर से हमारा ये होगा ठीक है देखिये थोड़ा सा बड़ा है ये आपके दो साल तीन साल तक के बच्चे को काफी आराम से आ जाएगा क्योंकि बच्चा सिर्फ सर्दियों में पहनता है और ऊन जो है खिंचती है खींचेगी है तो थोड़ा सा बड़ा तो होना ही है इसको अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप देखिए आगे वीडियो में जो भी दिया है उससे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए लेकिन फंदे इसमें काफी हैं इससे ज्यादा फंदे ना ही करें ज्यादा से ज्यादा आप चार से छह फंदे इसमें ज्यादा कर लीजिए इससे ज्यादा मत कीजिए ठीक है अगर आपको तीन से चार साल के बच्चे के लिए बनाना है हाँ लंबाई आप इसकी बढ़ा सकते हैं तरीका सिर्फ यही रहेगा तरीका सेम रहेगा आपको ये लंबाई बढ़ा देनी है जब आर्म होल की कटिंग की जो ये लंबाई ये लंबाई बढ़ा देनी है थोड़ी सी ये लंबाई बढ़ा देनी अपने आप आपका ये थोड़ा बड़े साइज में हो जाएगा ठीक है देखिए स्वेटर एक, एक ही बार बनती है बार बार हम हर साइज का तो नहीं बना सकते इसलिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आपको बड़ा बनाना है तो इतने फंदे ले लीजिए छोटा बनाना है तो इतने फंदे ले लीजिए ठीक है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ शुरू करने से पहले देखिये इसमें हमने जितने फंदे हैं लेने उतने ही हैं आपको नीचे थोड़ा सा बॉर्डर अलग से बना लेना है यहाँ पे हमने फंदे देकर के सीधे इस तरह से सीधा और उल्टा बना लिया तो ये मुड़ने लगा था ठीक है ये जब मुड़ने लगा था तो मैंने अभी इसको इस तरह से थोड़ी सी सिलाई कर दी है इस वजह से थोड़ा सा ये रुक गया है मुड़ना तो आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे दीजिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप भी इसी तरह से इसको मोड़ करके सिल सकते हैं ठीक है इस तरह से सिल सकते हैं अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो नहीं तो आप इसी तरह से जो उल्टा पैटर्न होता है वो दे, दे दीजिए यहां से तीन से चार रो उसके बाद बनाइए और जितने फंदे हैं उनका दो का एक दो का एक करने के बाद जहां जितने फंदे मैंने इसमें रखे हैं उतना रख लीजिए फ्रील बन जाएगी ठीक है तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए बाकी जैसे जैसे स्वेटर बनी है वैसे वैसे वीडियो भी बनी है तो आप थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दीजिएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप बनाएं स्वेटर तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए पूरा देखने के लिए इसलिए बोल रही हूं मैं कि कभी कभी स्किप करके देख लेते हैं तो क्या होता है जो टिप्स हो होते हैं बीच में कुछ बातें हम बोलते हैं बताते हैं वो छूट जाती है ठीक है फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे कैसे होगा ये कैसे होगा फिर आप कमेंट करोगे कमेंट करना बहुत अच्छी बात है लेकिन हम कमेंट में आपको समझा नहीं सकते उस तरीके से जिस तरीके से इसमें समझा सकते ठीक है जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो में समझा रहे हैं इस इतना ज़्यादा हम कॉमेंट में लिख नहीं पाएंगे तो वैसे पूरी जानकारी इसमें दी जाती है वीडियो में पूरी जानकारी दी जाती है हाँ कभी कोई चीज़ छुट जाती है तो वो बात अलग है अगर बड़ी चीज़ होती है तो हम वीडियो भी बना देते हैं दोबारा कि आपको यहाँ पे ऐसे करना है ऐसे करना है ठीक है छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं कमेंट्स में हम बता देते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं वो कमेंट्स द्वारा नहीं बताई जाती है लेकिन वीडियो में हम बताते हैं उस चीज़ को ठीक है इसीलिए आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिए वीडियो को फुल देखिए उसके बाद ही बनाना शुरू कीजिए ठीक है आप यही स्वेटर बनाएंगे थोड़ी सी मोटी ऊन में बनाएंगे तो ये चौड़ाई में भी बड़ा आएगा और लंबाई में भी बड़ा आएगा तो फिर आप सोचे कि इनका तो इतना ही आया है हमारा इतना बड़ा आया है तो थोड़ा सा ऊन के हिसाब से भी आप देख लीजिए तो इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ मैं फुल फ्रील से लेके टोटल इसका पंद्रह इंच है फ्रील से ऊपर को अगर हम करते हैं इसको इसका मेजरमेंट करते हैं फ्रील से ऊपर तो ये साढ़े ग्यारह इंच आ रहा है ठीक है फ्रिल आप देख लीजिए फ्रील बड़ी भी बनती है छोटी भी बनती है इसकी फ्रील हमने साढ़े तीन इंच की है थोड़ा सा दब गया है ये ठीक है थोड़ा हमने यहाँ अंदर से दबा दिया है बाकी यहाँ से आर्म होल की कटिंग करने तक सात इंच है यहां से हमने कटिंग की है ठीक है यहां से हमने कटिंग की है तो ये सात इंच है ये देखिए ठीक है कटिंग करने के बाद हमको कितना बना लेना है हम मैंने रो भी बता रखी है साढ़े चार इंच बना लेना है साढ़े चार इंच जब ये आर माहौल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो गले की कटिंग उसके बाद होगी इसलिए थोड़ा ऊपर आ जाएगा जिस तरह से हम गले की आगे कटिंग करेंगे उसी तरह से हम पीछे भी कटिंग करेंगे ठीक है ये तो इसका मेजरमेंट है चौड़ाई मैं इसकी बता देती हूँ आपको ये देखिये साढ़े ग्यारह इंच इसकी कमर से चौड़ाई है और दस इंच इसके ऊपर से चौड़ाई है, ठीक है तो ये देखिए मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दिया है कितना लंबा आप बनाना चाहते हैं लंबा आप बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए और ये आर्म होल से ऊपर को थोड़ा सा इसको बड़ा बना लीजिए ठीक है लेकिन आपको क्या करना है आर्म होल की कटिंग के बाद थोड़ा सा बना लेना है लगभग आधा इंच या एक इंच अगर आप बड़ा बना रहे एक इंच बड़ा बडा बना लेना है उसके बाद ही गले की कटिंग करनी है अगर आप बड़ा बना रहे हैं और सेम तरीके से गले की कटिंग करेंगे तो गला थोड़ा नीचे हो सकता है ठीक है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो देखिए ऊन ले लिए हमने बेबी सॉफ्ट की रेड कलर की ऊन है और नीडल है हमारे दस नंबर के ठीक है दस नंबर के नीडल हमने ले लिए हैं तो फंदे ले लेते हैं हम वन हंड्रेड थर्टी ठीक है वन हंड्रेड थर्टी फंदे ले लेते हैं और फ्रील बनाते हैं फिर मैं दिखाती हूं आपको कैसे करते हैं ठीक है तो ये देखिए वन हंड्रेड थर्टी फंदे ऐड कर लिए हमने ठीक है वन हंड्रेड थर्टी फंदे ऐड कर लिए सीधा सीधा बना लेंगे फर्स्ट रो भी सीधी बनाएंगे बैक रो उल्टी फर्स्ट रो सीधी बैक रो उल्टी ठीक है फ्रंट वाली सीधी बनाएंगे बैक रो वाली उल्टी बनाएंगे और इसको फ्रील बनाएंगे हम ठीक है तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं इसको तो देखिए ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई है कितने इंच की है बता देती हूं मैं ये देखिए चार इंच से थोड़ा सा कम ठीक है चार इंच के ही आसपास है और आप कभी भी इस तरह की फ्रिल बनाएंगे तो जैसे फंदे देते हैं तुरंत उसके बाद आप सीधा सीधा नहीं बनाना है ठीक है परले में बना लेनी है दो या तीन लाइन उसके बाद आप इस तरह से बनाई नहीं तो ये आपका इस तरह से मुड़ेगा इसको तो मैं बाद में कुरुसिया से ठीक कर लूंगी लेकिन आप अगर कुरुसिया चलाना नहीं जानते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है तो कभी भी आप इस तरह से फ्रील बनाएंगे प्लेन तो ये फंदे दे करके यहाँ पे दो या तीन लाइन पर्ल में बना लीजिए, ठीक है तो चलिए अब ये जितने भी फंदे हैं है, इन इनमें से हमें कम करने हैं फंदे टोटल फंदे कितने रख लेने हमको सेवनटी वन ठीक है सेवेंटी वन फंदे रख लेंगे और बंद कम कैसे करेंगे देखिए शुरू के तो मैंने चार फंदे सिंपल बना लिए ठीक है फिर उसके बाद दो फंदों का एक दो फंदों का एक दो फंदों का एक ऐसे करते हुए इनको कम कर लेंगे और कहीं कहीं पे जैसे हम ये कितनी बार हमने कर लिया है एक दो तीन चार पांच पांच बार हमने दो फंदों का कर दिया एक ये छह बार ये सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ये अठारह फंदे बन गए हमारे यहाँ पे हम तीन फंदे सीधे कर लेंगे उन्नीस ये देखें 19, 20, 20, 18, 18, 18 फंदे दो का एक करने के बाद तीन फंदे सीधे कर ले ऐसे ही करते जाएंगे ठीक है फिर दो फंदों का एक करेंगे क्योंकि हमको अगर इसका ठीक आधा करे सारे फंदे दो का एक दो का एक करेंगे तो 71 वन फंदे नहीं होंगे हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे ठीक है तो हमको कहीं कहीं पे सिंगल फंदा भी ले लेना ले ऐसे ठीक है तो देख लेते हैं कितने फंदे हो गए हैं दो का एक कर लेंगे कम से कम बीस पंदे तो कर ही लेंगे हम इसको जरूरी नहीं आप बीस के ही बनाएं अंदाजे से भी बना सकते हैं ठीक है थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद भी आप कर सकते हैं इसको जरूरी नहीं वहां पे तीन ही फंदे हो जैसे एक फंदा यहां पे हम अकेला ले लेंगे ऐसे भी कर सकते हैं बीच बीच में ठीक है अब गिन लेते हैं यहां तक कितने आ गए हैं देखिए फोर्टी थ्री फंदे हैं ठीक है फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री फंदे हैं ये देख लेते हैं आगे कितने हैं हमको 71 वन रखने हैं ठीक है देखिए यहाँ पे एक सिंगल और कर लेंगे अब हम यहाँ पे दो का एक करते हुए जाएंगे इनको जितने भी ये फंदे हैं इनको इतना घटा लीजिए कि आपके सेवेंटी वन फंदे रह जाएं ठीक है जैसे भी आप घटाना चाहें जैसे चार बार हम दो फंदों का एक दो फंदों का एक करते होंगे एक बार सिंपल फंदा अकेला फंदा ले लेंगे इस तरह से भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे हमें दो का एक कर दूंगी सारे फंदे लास्ट के चार छोड़ करके क्योंकि यहाँ पे हमारे सेवेंटी वन फंदे हमको चाहिए वो हमको मिल चुके सारे दो का एक करके हम बंद कर लेंगे। देखिए लास्ट में ये चार पांच फंदे हम सिंपल बना लेंगे। ये हमारा आगे 71 फंदे, ठीक है।, है? अब क्या करेंगे? बैक रो बना लेंगे सारी उल्टी। बैक रो हमारी उल्टी आएगी और फ्रंट रो भी उल्टी आएगी पर्ल में। जैसे अभी हम बना रहे पर्ल में ऐसी हमको फ्रंट रो भी बना लेनी है ठीक है फ्रंट रो आधी बना लेनी है 22 फंदे पर्ल में आएंगे तो चलिए ये बैक वाली रो कंप्लीट करके मैं फ्रंट रो को बता देती हूँ आपको कैसे करेंगे ठीक है तो देखिए राइट साइड में आ गए हम सीधे ठीक है 22 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए इसके बाद धागा पीछे करेंगे और पच्चीस पंदे बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये पच्चीस ठीक है देखिये पच्चीस पंदे हमारे सीधे तरफ आ गए हैं ठीक है और फिर धागा आगे करेंगे बाईस पन्धे हम उल्टे बना लेंगे दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है इसको भी बना लेंगे ठीक है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है ये जो उल्टे फंदे ये ट्वेंटी थ्री है और यहाँ इस साइड के उल्टे फंदे भी ट्वेंटी थ्री है बीच में जो है ट्वेंटी फाइव फंदे ठीक है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री सेवेंटी वन टोटल ठीक है तो देखिये जो सेवेंटी वन फंदे उनको हमने ऐसे बांटा है शुरू के ट्वेंटी टू फंदे हमारे पर्ल में आएंगे दोनों तरफ बैक साइड भी फ्रंट साइड भी ठीक है ट्वेंटी टू फंदे हमारे ये आगे पर्ल में यहां तक देखिए यहाँ तक ठीक है ये देखिए और बीच में हमारे ट्वेंटी सेवन फंदे हैं ठीक है ट्वेंटी सेवन फंदे हमारे सीधे आएंगे यहाँ तक फिर ट्वेंटी टू फंदे हमारे पर्ल में आएंगे ठीक है बीच के जो फंदे हैं इनमें हमारे हमने जाली बनानी है तो चलिए बीच में आ जाते हैं ट्वेंटी टू फंदे बनाने के बाद देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये हमारे में आ गए ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इधर से और ट्वेंटी टू इधर से जो बाकी बाच बीच में है ट्वेंटी सेवन फंदे वो क्या आएंगे में आएंगे और यहाँ से हम ठीक बीच में से क्या बनाएंगे जाली बनाएंगे ठीक है तो चलिए जाली बनाने का डिजाइन देख लेते हैं कैसा बनेगा देखिए कितने इसमें ट्वेंटी सेवन में से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ये ग्यारह फंदे इस साइड हैं और सत्ताईस फंदे है टोटल ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे ये हैं ग्यारह फंदे ये हैं बीच में हमारे पांच फंदे तो पांच फंदों में हम क्या करना है हमको पहले शुरू में दो का एक कर लेना है और धागा आगे करके एक जाली दे देनी है ठीक है फिर धागा आगे करना है और इस तरफ का फंदा पलट करके दो का एक कर लेना है ये ठीक है ये हमारी फर्स्ट जाली है फर्स्ट रो की और आगे को ग्यारह फंदे हमारे सीधे आएंगे सत्ताईस फंदे बीच में उसमें ही हम जाली दे रहे हैं ठीक है ये देखिए और आगे को ये बाईस फंदे हैं इनको उल्टे बना लेंगे जैसे कि हमने यहां बनाए थे ठीक है 22 फंदे हमारे साइड के पर्ल में आएंगे सीधी साइड में और बैक साइड की रो हमारी उल्टी ही आएगी टोटल ये हमारे टोटल बाईस फंदे हो गए जो उल्टे आएंगे ठीक है दोनों साइड में उल्टे आएंगे बीच में सीधे आएंगे और बीच में सीधे में जाली पड़ेगी और ये देखिए बैक रो हमारी टोटल पूरी की पूरी पर्ल में आएगी और हम जब हम दोनों तरफ उल्टा बनाते तो पहला फंदा बुन लेते नहीं तो ये खिंच जाता है ठीक है इस तरह से बैक रो हमारी फुल पर्ल में आएगी तो हम इसको बना लेते हैं पर्ल में टोटल तो देखिए बैक रो बना दिए फ्रंट रो में आ गए पर्ल वाले फंदे बना करके आ जाते हैं बीच में तो देखिए फर्स्ट राउंड में हमने 11 फंदे बनाए थे उसके बाद जाली दी थी अब हम एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस फंदे एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा इधर को ठीक है तो नौ फंदे बना करके जो पहले हमने दो का एक किया था उसको और उसके पहले वाले फंदे को लेकर के दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से दो फंदों का एक कर दिया और यहीं पे जाली भी दे देंगे और पहले हमारा बीच में एक फंदा था अब हमारे तीन फंदे आ गए एक दो तीन ठीक है ये देखिए इस तरह से जाली आएगी फिर धागा आगे करेंगे और पहला इस फंदे को पलट करके दो का एक कर लेंगे और जाली भी साथ में दे देंगे इसकी ये देखिए एक फंदा कम भी हो रहा है एक फंदा बढ़ भी रहा है एक घट भी रहा है तो इस तरह से हमारी दो जालियां आ गई ये थर्ड रो है आगे को दस फंदे सीधे बनेंगे और बाईस फंदे उल्टे बनेंगे और बैक सिलाई पर्ल में आएंगे फ्रंट साइड में और फ्रंट साइड के पर्ल वाले फंदे बना के वापस आते यहीं पे ठीक है फोर्थ फिफ्थ रो में देखिए फ्रंट रो में हमने उल्टे उल्टे जो बाईस फंदे बना लिए हैं ये फिफ्थ रो है ठीक है जब से हमने जाली दी है इसमें तब से हमारी ये फिफ्थ रो है नौ फंदे बना लेंगे अब सीधे एक एक कम होता जाएगा पहली रो में हमने ग्यारह फंदे बना के जाली बनाई थी फिर तीसरी रो में हमने दस फंदे बना के जाली बनाई थी अब फिफ्थ रो में हम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये नौ ठीक है नौ फंदे बनाने के बाद यहाँ पे दो फंदों का एक करेंगे ये देखिए दो फंदों का एक कर लिया धागा आगे करेंगे पहले एक था फिर तीन थे अब पांच एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे को पलट करके इस तरह से बना लेंगे ठीक है और फिर बाकी नौ फंदे बना लेंगे तो ये देखिए ये जाली हमारी इस तरह से आएगी ठीक है आपकी मर्जी आपको कितनी बड़ी जाली देनी है ठीक है तो ये आगे को तो आपको पता है बाईस फंदे उल्टे होते हैं और नौ फंदे ये फिर बैक रो उल्टी आती है फ्रंट रो यहां तक उल्टी आती है तो इसको कंप्लीट करके आते हैं सेवंथ रो में तो आ आगे हम सेवंथ रो में ठीक है पहले हमने ग्यारह फंदे बनाए थे फिर दस फिर नौ अब हम बनाएंगे सीधे वाले आठ फंदे एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ ठीक है दो का एक कहाँ पे करना है हमको ये जो रो आ रही है ये पहले होना चाहिए उससे पहले एक फंदा होना चाहिए ठीक है इन दोनों को इस तरह से दो का एक कर लेंगे धागा आगे करके यहाँ पे जाली भी दे देंगे ठीक है कितने फंदे हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात अब हमारे बीच में सात फंदे हो गए हैं और जाली बन गई हमारी एक दो तीन चार चार जालियां बन गई ठीक है ठीके? फिर धागा आगे करेंगे और दूसरी वाली जाली हमेशा फंदे को पलट लेंगे उसके बाद दो का एक करेंगे और आगे को आठ फंदे सीधे बाईस फंदे उल्टे और बैक सिलाई हमारी पार्लर में उल्टी आती हुई हम फ्रंट साइड के तो इसको बना लेते हैं बैक साइड का बना करके फ्रंट साइड में आ जाते हैं ठीक है देखिए अब नाइन्थ रो में बनाएंगे सात फंदे तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदे बनाने के बाद दो फंदों का एक कर लेंगे और धागा आगे करके जाली देंगे उसके बाद जो बीच के फंदे हैं वो बना लेंगे ये देखिए यहाँ पे फिर धागा आगे करके इस फंदे को पलट लेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से ठीक है यहाँ पे हमारी पांच जालियां बन चुकी हैं इस तरह से अब आगे को सात फंदे प्लेन और ये पर्ल में आ जाएंगे और बैक रोम पर्ल में आके फिर से वापस फ्रंट रो में आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पांच जालियां आ गई एक जाली और बना लेंगे शुरू के एक दो तीन चार पांच छ फंदे हमारे प्लेन आएंगे उसके बाद दो का एक करेंगे और एक जाली दे देंगे और बीच में कितने हैं फंदे प्लेन एक ये हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ये ग्यारह फंदे बीच में है ठीक है सिक्स फंदे हमारे छह फंदे ये हैं ग्यारह फंदे बीच में हैं धागा आगे करेंगे और दो का एक कर लेंगे इस तरह से फंदे को पलट करके ये हमारी लास्ट जाली है अब देखिए क्या करना है इसके बाद जो फ्रंट रो आएगी हमारी ये जाली फिर से शुरू हो जाएगी ठीक है फिर से हम इसी जाली को बना लेंगे इसी तरह से हम पूरी जहां तक आर्म होल है वहां तक हम इसको बना लेंगे तो चलिए बना लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जाली हमारी कंप्लीट हो गई है अब क्या करेंगे हम इनको उल्टा कर लेंगे ये जो सीधे हैं जाली वाले हैं इनको उल्टा कर लेंगे एक फंदा यहां पे सीधा कर लेंगे ठीक है यहां से यहां तक उल्टा बना लेते हैं बैक साइड से हम आर्म होल की कटिंग शुरू कर देंगे तो देखिए बैक साइड में आ गए हैं क्या करेंगे एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदे बनाएंगे एक सीधा बना लेंगे ठीक है सीधा बनाने से पहले इसको सीधा करके दो का एक कर लेंगे ये इस तरफ का दो का एक हम ऐसे करेंगे ठीक है ये सीधा भी हो गया दो का एक हो गया पांच हो गए अब अपनी तरफ ले लेंगे और ये सारा उल्टा बना लेंगे यहाँ तक उल्टा बना लेंगे जो इसका एक फंदा है उसको सीधा बनाएंगे ये देखिए इस तरफ जो जो सीधे थे उसमें से फर्स्ट वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे ठीक है इस तरह से बना लेंगे और बाकी उल्टे बनाएंगे जो बीच में सीधे सीधे फंदे थे हमने जिनमें जाली बनाई थी उसका लास्ट और फर्स्ट फंदा बैक साइड से सीधा बना लेंगे ये देखिए यहां पे लास्ट वाला ये देखिए ठीक है ये वाला ये लास्ट फंदा है हमारा सीधी साइड से ये देखिए सीधी साइड से जो लास्ट फंदा है उसको बैक साइड में सीधा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लें ये देखिए और बाकी उल्टे बना लेंगे इधर हमने पांच बना लिए बनाने थे चार चार फंदे उल्टे बना करके दो का एक करना था तो एक फंदा ज़्यादा कर लिया अभी मैं इसको ठीक कर लूंगी लेकिन आप क्या करेंगे एक दो तीन चार फंदे बनाने के बाद दो का एक करें ठीक है यहाँ पे भी हम एक दो तीन चार फंदे हैं ना दो का एक करने के लिए अभी बाकी है इसको इस तरह से इस तरफ का दो का एक इस तरह से करेंगे ठीक है ये सीधा आ जाएगा तो ये आर्म होल की कटिंग हो रही है साथ में और लास्ट फंदे को हम सीधा करेंगे इस तरह से ठीक है सीधी रो हमारी पूरी सीधी तरफ की रो हमारी पूरी उल्टी आएगी क्योंकि जो हमने इस तरफ सीधे बनाए वो भी उल्टे आएंगे और यहां वाले भी उल्टे आएंगे तो सीधी रो हम पूरी उल्टी बना लेते हैं बैक साइड में आ जाते हैं तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिया हमने क्या करेंगे एक पहला फंदा ऐसे ले लेंगे दूसरा तीसरा और चार चार फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा है इसको इस तरह से पलट लेंगे और दो का एक कर लेंगे ठीक है ऐसे हम आर्म होल की कटिंग शुरू करेंगे तो देखिए फ्रंट रो कम्पलीट हो गई है फिर से आगे हम बैक रो में एक फंदा हमने पहली रो में बंद कर लिया था आर्म होल की कटिंग के लिए तो ये देखिए चार फंदे हम उल्टे बना लेंगे उसके बाद पहला फंदा हमने बंद कर लिया और ये दूसरा इसी तरह से पांच फंदे बंद करेंगे दूसरा फंदा बंद कर रहे हैं ठीक है फंदा बंद करने का तरीका देखिए इस फंदे को ये पहले फंदा ऐसा था ना इसको पलट के सीधा कर लेंगे और इन दो का एक कर लेंगे ये हम उल्टी तरफ से करेंगे ठीक है उल्टी तरफ से ही फंदे हम बंद करेंगे और पूरा उल्टा बना लेंगे सिर्फ यहां पे हमने जो एक फंदा सीधा बनाया है उसको सीधा बना लेंगे और यहां पे एक फंदा हमने सीधा बनाया ये देखे ये वाला इसको सीधा बना लेंगे और आते हैं यहां पे ठीक है दो का एक करेंगे यहां पे आर्म होल की कटिंग तो ये देखिए लास्ट में आ गए हम यहां पे हमारे चार फंदे उल्टे रहेंगे और जो हमारा एक सीधा फंदा है उससे पहले एक फंदे को बनाएंगे नहीं बल्कि इस तरह से दो का एक कर लेंगे ठीक है तीन फंदे अब हमारे कितने हो गए सॉरी दो फंदे कम हो गए दो इस तरफ से दो उस तरफ से आर्म होल की कटिंग हमारी पांच फंदों की कंप्लीट हो जाएगी इसको हम पांच रो में कर लेंगे ठीक है ये देखिए, एक बार हमने फंदा बंद यहां पे किया एक बार यहां पे, दो दो फंदे बंद हो गए और फ्रंट साइड में हमको कुछ भी नहीं करना पूरी रो हमारी उल्टी आएगी फ्रंट रो कंप्लीट कर लिए और ये देखिए इस तरह से हमारा यहां पे आर्म होल की कटिंग हो रही है धीरे धीरे एक फंदा दो फंदा दो फंदे कम कर लिए हमने ये तीसरा फंदा कम करेंगे पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे दूसरा तीसरा और चौथा चार फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और फिर से वही हम बनाएंगे इस तरह से तो ये देखिये तीन यहाँ पे एक दो तीन फंदे कम कर लिए हमने इसी तरह से हम पांच फंदे कम करके दिखाते हैं आपको ये कैसा लगेगा ठीक है तो ये देखिए जाली के बाद हमने एक दो तीन चार पांच पांच लाइन है मतलब दस रो बना ली है दस रो में हमारे क्या हुए हैं यहाँ पे पांच फंदे कम हो चुके हैं ठीक है जो आर्म होल है हमारा आर्म होल की कटिंग हो चुकी है अब हम गले की कटिंग करेंगे तो गले की कटिंग हम कितनी करेंगे देखे ये बैक साइड से देख लीजिए आप ये जो सीधा है इसके बाद हम एक दो तीन चार फंदे रखेंगे यहां से भी जो सीधा है उसके बाद हम एक दो तीन चार फंदे रखेंगे बाकी बीच में ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह फंदे हम लगातार एक ही रो में बंद कर देंगे और फिर जैसे हमने यहाँ पे गले की कटिंग की है ऐसे ही हम यहाँ पे यहाँ पे कटिंग करेंगे ठीक है जैसे मैंने बैक साइड का बना लिया है ये देखे ठीक है जैसे हमने यहां पे आर माहौल की कटिंग की है वैसे हम गले की कटिंग भी इस साइड को करेंगे ठीक है ये थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा तो जैसे ही कटिंग में आपको इस वाले में बताऊंगी सेम आपको यहां पे भी करनी है बैक साइड में कब करनी है आपको देखिए आर माहौल की कटिंग जहां से की है मैं गिन देती हूँ वहां से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह और उन्नीस उन्नीस लाइन ठीक है थीके? एक लाइन दो रो से बनती है उन्नीस लाइनें बनाने के बाद यहाँ पे हमने तीन लाइनें चार लाइनें बना दी मतलब आठ रो बना लिए है। ठीक है एक लाइन में दो रो आती है तो उन्नीस लाइनें बनेंगी उसके बाद हमारा गले की कटिंग होगी और गले की कटिंग सेम ऐसी जैसी मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको बैक साइड में भी वैसी होगी लेकिन वो ऊपर जाके होगी ठीक है तो गले की कटिंग करना शुरू करते हैं देखिए किस साइड हम गले की कटिंग करेंगे बैक साइड में ठीक है तो देख लीजिए अब हमने अभी आर माहौल की कटिंग कंप्लीट कर ली है चार तो हमारे साइड में हो गए एक हमारा सीधा हो गया ठीक है अब बीच के फंदे हैं एक दो तीन चार पांच छ और सात देखते हैं इसमें कितने बचे हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ ये आठ हो गए तो हमको कितने फंदे बंद करने चार फंदे बंद करने हैं इधर साइड में ठीक है तो गले की कटिंग आ जाएगी हल्की सी चार फंदे कम करेंगे तो अभी तो हम पहले इस रो में देखिए एक सीधा सीधा बना लिया उसके बाद एक दो तीन और ये चार चार उल्टे बना लिए ना उसके बाद हम यहां पे जो सीधा है एक दो तीन चार इनको छोड़ के सारे फंदे सोलह फंदे जो हैं बंद करेंगे कैसे करेंगे दो का एक कर लेंगे उसी में वो फंदा दे करके फिर दो का एक करेंगे फिर उसी में वो फंदा दे के दो का एक करेंगे तो ये देखिए एक ये है दो तीन चार चार फंदे उल्टे हैं ना एक हमने बना लिया दूसरा तीसरा और चौथा चार फंदे के बाद हमारा एक फंदा सीधा है और धागा आगे करेंगे बीच में जितने फंदे उनको उल्टे बनाएंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा और उल्टे इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं देखिए रो कंप्लीट हो गई अब क्या हो गया है दो हिस्से हो गए इसके ठीक है ये देखिए गले की कटिंग हो गई है दो हिस्से हो गए हैं अब हमको एक फंदा दो फंदा तीन फंदा चार फंदा आठ रो बनानी है उल्टी और सीधी और सीधी रो में हमने दो का एक करना है सॉरी उल्टी रो में हमने दो का एक करना है सीधी रो में तो हमारा नहीं आता है जहां सीधी साइड ये आएगा वहां पे दो का एक करेंगे इसी तरह से चार फंदे और चार फंदे बंद करेंगे और सेम हमको यहां पे भी करना है ठीक है ये बस थोड़ा ऊपर होगा ये नीचे है ठीक है इस तरह से बंद करना है हमको तो फ्रंट साइड में तो नहीं होगा अब पहले हम एक साइड का बंद करेंगे फिर दूसरी साइड का बंद करेंगे ठीक है फ्रंट साइड में तो हमारे सारे उल्टे फंदे आएंगे तो फ्रंट साइड का जो रो है वो कंप्लीट करके फिर से वापस बैक साइड में आते हैं देखिए यहाँ पे हमारी जो फ्रंट साइड की रो है वो कंप्लीट पर्ल में आएगी इसे कंप्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रंट रो कम्पलीट होगी बैक रो में यहीं से एक साइड का बना लेंगे पहले क्या करना है पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे दूसरा फंदा उल्टा तीसरा फंदा उल्टा और चौथा फंदा उल्टा चार फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे ये सीधा है ना इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहां दो का एक कर लेंगे एक फंदा कम हो गया हमारा एक रोमा हमारा एक ही फंदा कम होगा अब ये बैक रो बना लेंगे और फ्रंट रो बना लेंगे फिर से वापस बैक में आगे एक फंदा फिर बंद करेंगे फिर बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो बनाएंगे फिर एक फंदा बैक रो में फिर कम करेंगे फिर फ्रंट रो बना करके बैक रो में एक फंदा इसी तरह से हम बैक रो में एक एक करके चार फंदे कम कर लेते हैं ठीक है एक बार और बता देती हूँ मैं आपको बना करके आपके समझ में आ जाएगा ये देखिए उल्टी रो इस सीधी तरफ आ रहे है हम सीधी रो तो हमारी पूरी परले में बनेगी तो ये कंप्लीट करके आते हैं बैक साइड में ये देखिए फिर से हम बैक रो में आ गए हैं पहला फंदा ऐसे ले लेंगे दूसरा फंदा उल्टा तीसरा फंदा उल्टा चौथा फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे इस फंदे को पलट लेंगे इस तरह से और दो का एक कर लेंगे तो देखा आपने एक फंदा हमने यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे दो फंदे हमारे कम हो गए हैं तो ये रो कंप्लीट करते हैं और फ्रंट रो की रो कंप्लीट करके आते वापस इसी बैक रो में आगे को हमको कुछ नहीं करना बस ये जो एक सीधा नीचे से हमारा आ रहा है उसी को सीधा बनाते हुए आएंगे और बाकी सारे उल्टे आएंगे और फ्रंट साइड तो हमारे सारे ही उल्टे आएंगे तो बैक और फ्रंट दोनों रो कंप्लीट करके वापस आते हैं इसी बैक रो में देखिए फिर बैक साइड में आ गए हम फ्रंट रो कंप्लीट करके दो तीन और ये चार चार फंदे बना लिए धागा पीछे करके फंदे को सीधा कर लेंगे और दो का एक कर लेंगे अब देखिए तीन तीन फंदे हमारे एक कम हो चुके हैं, ठीक है एक फंदा और कम करना है हमको बैक रो कम्प्लीट कर लेंगे और ये वाला सीधा बना के टोटल हमारा उल्टा ही है और सीधी रो में सारे ही फंदे हमने उल्टे करने तो दोनों रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आते हैं हम वापस बैक रो में तो देखिए फिर आ गए हम रो में अब लास्ट फंदा हमारा बचा हुआ है जिसको हम बंद कर लेंगे तीन और ये चार किनारे के चार बनाने के बाद लास्ट फंदा खत्म होगा हमारा यहां पे ये देखिए दो का एक कर लिया अब देखिए हमारे यहाँ पे आठ ही फंदे बचे हैं एक दो तीन चार पांच छह सॉरी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है तो अब हमको फंदे बंद नहीं करने हैं अब हमको ऐसे ही सीधे सीधे बना लेना है ठीक है ये देखिए यहां पे थोड़ी सी गले की कटिंग हो गई है अब हमारे यहां पे फंदे हैं अठारह ठीक है अठारह फंदे टोटल इन अठारह फंदों को हम जहां तक हमने बनाना है आर्म होल देखिए यहां तक है तो सेम तरीके से बनाएंगे ये देखिए इसका आर्म होल यहां पे है तो इतना ही और बना लेंगे लेकिन सीधा सीधा बनाएंगे इस तरफ का भी हम क्या करेंगे चार फंदे इसी तरह से बंद करेंगे उल्टी साइड में क्या करेंगे ये जो सीधा फंदा है इसको और इधर वाला उधर के चार फंदों में से नहीं लेना है जो इधर बीच के फंदे हैं ये सीधा और ये सीधा इसके बीच के फंदे हैं उसके साथ लेना है एक सीधा और एक उल्टा ये दो एक हो जाएंगे फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा ये चार फंदे बंद करने के बाद यहाँ पे भी हम अठारह फंदे रखेंगे उसके बाद उसके बाद हम ऊपर को बनाएंगे ठीक है आ गया होगा आपके समझ में इस तरह से कटिंग करनी है दोनों साइड एक साइड का पूरा करेंगे फिर दूसरी साइड का कटिंग करते हुए चार फंदे कम करेंगे हर रो में एक दो तीन चार इसी तरह से फिर आगे बनाएंगे और उसके बाद इनके और इसके शोल्डर को जोड़ देंगे ठीक है तो चलिए बना लेते हैं समझ में आ गया होगा आपके अब यहाँ पे हमको कोई कटिंग नहीं करनी है और जो ये सीधा फंदा है ये हमारा सीधा ही रहेगा ये दोनों चार फंदे उल्टे एक सीधा आठ फंदे उल्टे एक सीधा चार फंदे उल्टे फ्रंट साइड में सारे उल्टे फिर वापस ऐसे ही करेंगे तो इसको बना लेंगे सेम बैक साइड की तरह जितना लंबा इसका शोल्डर तक है उतना लंबा दोनों को बना लेंगे और इस तरफ भी हम सीधी साइड में फंदे कम नहीं बंद नहीं करेंगे कटिंग नहीं करेंगे कटिंग का मतलब होता है कि यहां से जो सेब आती है वो नहीं करेंगे उल्टी साइड में जैसे यहां से आएंगे तो यहां तक तो बना लेंगे यहां से क्या करेंगे एक सीधा और एक उल्टा इन दोनों को दो का एक कर देंगे किस तरह से करेंगे देखिये इस तरह से अभी तक तो हम उधर वाला दूसरी दूसरे हिसाब से कर रहे थे फंदा पलट करके लेकिन अब क्या करेंगे इसको ऐसे लेंगे ठीक है नीडल को ऐसे लेंगे इस फंदे में और इस फंदे में ऐसे तब जाके बना देंगे ठीक है तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है ठीक है कितना लंबाई इसकी लेनी है जैसे मैंने आपको ये बताया था सेम जितने ये लाइनें बताई थी उतनी ही लाइनें ये भी बनानी है यहां से जहां से इसके आर की कटिंग हुई है तो ये दोनों बन गए हैं बराबर अब इनको इनके शोल्डर जोड़ देंगे जोड़ेंगे कैसे ये सीधा और इसका सीधा दोनों एक ही साथ ऐसे करेंगे और इस तरह से देखिए यहां ये जोड़ देंगे और यहां पे ये ठीक है तो चलो इसको जोड़ना शुरू करते हैं देखिए दोनों नीडल्स का मुंह एक साथ कर देंगे ये बैक साइड का है और ये बैक साइड का है ठीक है आगे हमारे ये फ्रंट फ्रंट दोनों आमने सामने होंगे और इसके बाद हम जोड़ेंगे इसको कैसे देखिए बराबर फंदे हैं दोनों में इस तरह से एक उस नीडल से एक उस नीडल से ले लेंगे फंदे और दो का एक कर लेंगे इसी तरह से दो का एक देखिए पूरी रो इसी तरह से दो का एक करते रहेंगे एक इस नीडल का लेंगे और एक इस नीडल का ये देखिए ठीक है दोनों नीडल के फंदे एक नीडल में ले लिए हैं अब क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से दो फंदे का एक करेंगे और फिर दो फंदों का एक उस फंदे को उसी नीडल में लेकर के दो फंदों का एक ठीक है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए यहाँ पे लास्ट फंदे हैं दो का एक उसके बाद एक नोट लगा देंगे नोट लगाएंगे बना लेंगे इसको और छोड़ देंगे और यहां से इसको खिसका लेंगे ठीक है इस तरह से जुड़ गया है अब ये वाला भी जोड़ लेते हैं देखिए दोनों नीडल की नोक एक साइड कर लेंगे और जोड़ लेंगे जिस तरह से ये जोड़ा था ये देखिए ठीक है इस तरह से हमने ये बंद कर दिया अब क्या करेंगे सील लेंगे और जो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है नीचे से जो मुड़ रहा है इसमें हम कुरेसियों से करेंगे काम ठीक है जब भी आप बनाइए तो जब फंदे लेंगे तो थोड़ा सा यहां पे दो तीन लाइनें उल्टी उल्टी की दे दीजिए जैसे पर्ल में आती है दोनों तरफ से उल्टा ठीक है नहीं तो ये इस तरह से मुड़ेगा तो चलिए इसको सिल के मैं बता दिखाती हूं आपको ये कैसा लग रहा है तो ये देखिए इस तरह से हमने ये कम्प्लीट कर लिया सिल लिया ठीक है नीचे से मैंने इस तरह से थोड़ी सी सिलाई कर दी है क्योंकि कुरसिया से अच्छा नहीं आ रहा था तो ये थोड़ा सा डबल हो गया अब ये सही हो गया ठीक है आपको अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे ही कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए नहीं तो आप शुरू में ही आप इसको शुरू में ही यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर जैसा दे दीजिए जिससे ये पलटे ना ठीक है सबसे बड़ी ये जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है इसी चीज की हुई है बाकी देखिए पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा इसके अंदर से हम इनर बनाएंगे आपने अगर पहले वीडियो देखी होगी तो हमने एक और बनाया था इस तरह से ये देखिए तो इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वहां पे जाइए आप आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी इसके साथ हमने एक जैकेट टाइप का भी बनाया है बाहर से पहनने के लिए ठीक है ये अंदर का है बाहर से पहनने के लिए एक जैकेट टाइप का भी है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और ये हमने ऑर्डर पे बनाया है लेकिन इसमें क्या है ये हम बाहर से बन, पहनेंगे पहनवाएंगे इसको और अंदर से इसके एक इनर बनेगा तो ये इसके बाहर से हम जैकेट वगैरह भी डाल सकते हैं लेकिन अंदर से इनर भी दे सकते हैं इसके अंदर भी दे सकते हैं लेकिन इसका सेट जो है वो इनर वाला है और इसका सेट ये खुद ही इनर है और इसके बाहर से हमने एक जैकेट बनाया है ठीक है आगे को वीडियो में जरूर दूंगी ज, कैसे हमने इनर बनाया और कैसे इसका सेट हम दोनों के सेट में दिखाऊंगी आपको ठीक है तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा नए है चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ क्योंकि इस तरह की के जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा ठीक है थोड़ा सा अगर इसको डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं व्हाइट कलर के थोड़े छोटे छोटे फूल आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर मैं लगाऊंगी तो उसका एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी आप ले, लोगों के लिए फिलहाल आप इस तरह से बनाइए बहुत ही सुंदर लगता है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय